गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बुद्धिज्म का पार्ट थर्ड। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? देखिए, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथ है, और ये त्रिपिटक तीन है। एक है सुतपिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। सुतपिटक को लिखा है आनंद ने, विनय पिटक को लिखा है उपाली ने, अभिधाम पिटक को लिखा है मोगाली पुत्तिस ने। और ये मोगाली पुत्तिस वही है जिसने अशोक को बुद्ध के अंदर कन्वर्ट करवाया था, यानी अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट कराने वाला इंसान है मोगाली पुत्तिस। मोगाली पुत्तिस को हम लोग बोलते हैं उपा गुप्ता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सुत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधाम पिटक है, ये जातक नहीं है। तो जातक जो है गौतम बुद्ध का प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है, यानी कि गौतम बुद्ध के जो विभिन्न विभिन्न जन्म हुए हैं उन सारी चीजों के बारे बात करता है जातक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जातक। सुमेलित कीजिए, तो हम लोग को यहाँ पे मैच करना है चन्ना। चन्ना कौन था? तो गौतम बुद्ध का सारथी, तो ये हम लोग का मैच हो जाएगा इसके साथ। कंठक, कंठक कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा, तो ये मैच हो गया ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अलार कलाम कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु। निरंजना, निरंजना क्या था? निरंजना नदी था जिस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन वाला जो है वो मिसमैच है। आनंद एवं उपाली, देखो आनंद ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सुतपिटक, उपाली ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था विनय पिटक, तो ये दोनों जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, तो ये तो सही है, ये मिलान सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, अगेन ये भी सही है। सुजाता, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, हाँ अगेन ये भी सही है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया और उससे पहले कठिन तपस्या में बैठे हुए थे गौतम बुद्ध, तो तपस्या के बाद जो खाना खिलाने वाली कन्या थी वो थी सुजाता। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं ये गलत है। राहुल जो था वो गौतम बुद्ध का बेटा था, और गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन मिसमैच है, तो मिसमैच है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध के वैराग भावना चार दृश्यों के कारण बलवित हुई। देखिए एक्चुअली जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शेयर करने के लिए निकले थे तो वहां पे चार चीज को देखे थे। सबसे पहला चीज था ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, फिर डिजीज्ड पर्सन यानी कि रोगी आदमी, फिर देखे थे एक लाश, और एक देखे थे सन्यासी। इसके बाद गौतम जी का जीवन जो है वो बदल गया था। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या है हम लोग का ऑप्शन, ये बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश, सन्यासी, तो जी हाँ ये हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सरावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, और गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उसका नाम था अलार कलाम, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है। तो बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये अश्वघोष। अच्छा एक और बुक याद रख लीजिए जो बौद्ध धर्म में गीता के समान है, और वो है धम्मपद। धम्मपद वसुमित्र, ये वसुमित्र वही है जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में, उसका चेयरपर्सन था। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये है धम्मपद। जातक, ये जातक जो है वो गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे बताता है। पिटक, तो आपको यहां से तीन पिटक याद रखना है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक को कौन लिखा था? उपाली ने। सुत पिटक को कौन लिखा था? आनंद ने। अभिधाम पिटक को कौन लिखा था? मोगाली पुत्तिस ने।
और ये मोगलीपुत्र वही है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। और ये देखिए बुद्ध चरिता को लिखा था अश्व घोष ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है? तो देखिए जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाता है, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाया था, तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक महायान और एक हीनयान। महायान धर्म जो है वो नॉर्थ में फेमस होता है और नॉर्थ में इसको फैलाता है कनिष्क। नॉर्थ में कौन कौन से कंट्री, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इन सारे देशों में कनिष्क बौद्ध धर्म को फैलाता है, और बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय फैलता है वो रहता है महायान। और हीनयान, हीनयान साउथ में फैलता है और इसको फैलाता है अशोक। अशोक श्रीलंका में इस धर्म को फैलाया था। यहाँ पे उसने अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को भेजा था। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट जाता है, वो किसका समय में? तो ये रहता है कनिष्क का समय में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य है। पहला चीज कि इस दुनिया में दुख है और इस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, और इस दुख का निवारण किया जा सकता है, और निवारण कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग को अपना कर। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार कौन सा हो जाएगा? चार आर्य सत्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। सुमेलित करें, महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या चीज था? जब गौतम बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं 29 साल की उम्र में, तो इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है हॉर्स। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन। तो देखिए जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके आते हैं सारनाथ, तो सारनाथ में आकर के प्रथम उपदेश देते हैं, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका जो सिंबल है वो है विल। महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का जो डेथ हो जाता है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संबोधि। संबोधि देखिए जो बोधि ट्री है, ये जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उसका सिंबल होता है संबोधि। तो चार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्तु या भविष्य के बोधिस्तु किसे माना जाता है? यानी बात कर रहा है कि फ्यूचर बुद्धा, तो फ्यूचर बुद्धा किसे कहा जाता है? तो फ्यूचर का जो बुद्धा है वो कहा जाता है मैत्रेय को। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो देखिए आपको बताया थे कि जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के समय में, उसके बाद बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान को कनिष्क फैलाता है, और ये फैलाता है उत्तर की ओर, जैसे साउथ, चाइना, कोरिया, और ये हीनयान, हीनयान को अशोक फैलाता है, और ये साउथ की ओर फैलाता है दक्षिण की ओर, जैसे श्रीलंका। तो पूछ रहा है कि दक्षिण की ओर जो संप्रदाय प्रचलित था वो कौन वाला था? तो दक्षिण की ओर था हीनयान, और इसको फैलाया था अशोक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो उत्तर की ओर कौन था? महायान। और इस महायान को कौन फैलाया था? महायान को फैलाया था कनिष्क ने। और कौन कौन से एरिया में? चाइना, जापान, कोरिया में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बोध, धम्म और संघ। तो ये बौद्ध शामिल है, धम्म शामिल है, संघ शामिल है, मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये है जातक। जातक जो है गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बात करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है विनय पिटक। विनय पिटक को कौन लिखा है? इसको लिखा है उपाली ने। सुत पिटक को कौन लिखा है? इसको लिखा है आनंद ने। अभिधान पिटक को कौन लिखा है? अभिधान पिटक को लिखा है मोगलीपुत्तिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध
पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो ये था बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये कुशीनगर, कुशीनगर है जहाँ पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी उस प्लेस है जिस जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अलार कलाम। ऑप्शन नंबर वन देखिए, पाणिनी, पाणिनी ने एक एक बुक लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और ये अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर का बुक था, और इस अष्टाध्यायी के ऊपर एक कमेंट्री लिखा गया था, उस बुक का नाम था महाभाष्य, और ये जो महाभाष्य लिखा था उसका नाम था पतंजलि। कपिल मुनि, कपिल मुनि ने लिखा था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। पतंजलि, पतंजलि ने क्या बुक लिखा था? महाभाष्य, और ये महाभाष्य कमेंट्री था संस्कृत ग्रामर का बुक अष्टाध्यायी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलार कलाम। तो बुद्धिज्म यही क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आप लोगों को मिलेगा जैनिज्म का पार्ट। अगर आप बुद्धिज्म के तीनों पार्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन के लेवल को और ऊंचे लेवल तक लेकर के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।